हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्टूडेंट को फिर से एक एसएमएस किया है। वो एसएमएस ये है जो इधर आपको दिख रहा होगा, इधर जो ऊपर लिखा हुआ है गूगल फॉर्म, ठीक है। ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है दोस्तों, यही मैसेज सभी स्टूडेंट को आया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दोस्तों व्हाट्सएप पे आपको इधर एक मैसेज दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट ने ही मुझे दिया हुआ है। ये मैसेज उन्हें आया है। अब ये मैसेज आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर क्या करना है, किसे भरना है और किसे नहीं भरना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो गूगल फॉर्म आया है, ये काफ़ी अर्जेंट काफ़ी स्टूडेंट को भर के देना है, कंपलसरी 100% भर के देना है। किसे भर के देना है, किसे नहीं भर के देना है, एग्ज़ाम के पहले ज़रूर इसे भरना है, सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ दोस्तों, जो नए दोस्त इस वीडियो में जुड़े हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरीके से एजुकेशन के अपडेट आपके मोबाइल तक हमेशा पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं। जो इस फ्रेंड ने हमें, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, उन्होंने जो मैसेज दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही उसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, ये इंटरफेस आ गया है। दोस्तों, अब इस इंटरफेस में इधर कौन टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है जो आप रीड कर सकते हो, लेकिन पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ईमेल एड्रेस चाहिए रहेगा, आपका फुल नेम चाहिए रहेगा, आपका एप्लीकेशन आईडी चाहिए रहेगा, आपका मोबाइल नंबर चाहिए रहेगा, साथ ही साथ जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको आई कार्ड दिया हुआ है उसका फोटो खींच के मतलब वो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आपके टीवाई बीकॉम के फिफ्थ सेम के मार्कशीट एंड टीवाई बीकॉम के सिक्स सेम के मार्कशीट, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये कर मतलब अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। इतना काम ही आपको करना है और वेरी अर्जेंट ये काम आपको करना है। लेकिन अब बात आ जाती है कि सर किन्हें करना है और किन्हें नहीं करना है। ये सभी दोस्तों को करना है? तो नहीं दोस्तों, सभी को नहीं करना है। जिनका स्टेटमेंट अनकम्प्लीट है, मतलब ओनली कंप्लीट लिखा हुआ है, उन सभी दोस्तों को करना है। जिनका स्टेटमेंट अप्रूव लिखा हुआ है, ठीक है, जिनका स्टेटमेंट में अप्रूव लिखा हुआ है उनको नहीं करना है, ठीक है। जिनका स्टेटमेंट सिर्फ कंप्लीट लिखा है उनको करना। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, डोंट वरी। और मुंबई यूनिवर्सिटी ये कलेक्ट इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का सिर्फ कंप्लीट है अप्रूवल के जगह। तो ये अप्रूवल हो जाए जिसके वजह से ये सब चीज़ मांगा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों, आज मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज है दोस्तों। अब इस इमेज में आप दोस्तों स्टेटमेंट पे चले जाइए। ये देखिए, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, अप्रूव्ड लिखा हुआ है। इधर अप्रूव है तो दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट में अप्रूव के जगह कंप्लीट लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो उनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगी होगी। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यार, वीडियो को जरूर लाइक किए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ पता चले, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।